हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो आज हम पार्टनरशिप का चैप्टर करने वाले हैं, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम अरिथमेटिक। इसमें से हर एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये पूरा लेक्चर आराम से देखते हैं, पूरा लेक्चर देखते हैं एंड तक, तो पेपर में IBPS PO के पेपर में आपके 1 मार्क जो है वो आपका बिल्कुल निश्चित हो जाता है, पक्का आपका हो जाता है। तो IBPS PO प्री में 1 मार्क के लिए ये वीडियो जरूर देखें। तो इस वीडियो में कुछ एक 5 टाइप के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2 ही तरीके हैं, दोनों में आपको सिखाऊंगा। अभी 2 तरीके सीख लेंगे तो उसके आगे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। थोड़ा आपको स्टार्टिंग में ये बता देता हूँ कि वेटेड एवरेज का आपको मेथड पता होना चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रमनदीप सिंह एंड मैं पिछले 5 सालों से बैंक एग्जाम स्टडी पे काम कर रहा हूं। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो पार्टनरशिप होता क्या है। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस सोच लीजिए, कि इवन आप सोच लीजिए कि आप एक जूस की दुकान शुरू करना चाहते हैं, जूस जूस की शॉप शुरू करना चाहते हैं, जूस पार्लर बनाना चाहते हैं। तो उसको बनाने के लिए कुल जो खर्चा है वो आप कह लीजिए 5 लाख रुपए का खर्चा है। जूस की दुकान कह लीजिए या कुछ कह लीजिए, खाने पीने का कुछ भी, कि 5 लाख का खर्चा है। आप हैं और आपके एक फ्रेंड हैं, दोनों कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है। आपके पास कुछ हो रहा है, एक के पास 2-2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए पड़े हैं जो बंदा ए है, और दूसरे के पास 3 लाख है। दोनों अगर अपना अपना सोचें कि यार मैं खोल लेता हूँ, दूसरा कभी मैं भी खोल लेता हूँ, तो दोनों के पास इतने फंड्स जो नहीं है। और दूसरी बात, एक को अगर एक एम्प्लॉय हायर करना पड़े तो उसके पास दूसरा एम्प्लॉय नहीं है, और बी के पास भी नहीं है इतना पैसा कि वो एम्प्लॉयज आके हायर कर सके, लेकिन ज़रूरत है। तो फिर ये दोनों क्या करते हैं कि भाई हम दोनों मिलके काम करते हैं, एक तो एम्प्लॉय तो हो जाएंगे और पैसे भी पूरे हो जाएंगे और कह लीजिए कि काम शुरू हो पाएगा, कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर दिया। ए ने 2 लाख रुपए डाले, बी ने 3 लाख रुपए डाले, तो ए और बी को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो जाएगी 2/3। ए को 2 और बी को तीसरा हिस्सा जो है वो प्रॉफिट का मिलेगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप के चैप्टर का। दूसरे पे आते हैं, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट, बिजनेस को चलाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, राइट। बी ने जो काम धंधा स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी, उसने बी ने क्या किया, 3 लाख रुपए लगाए और एक बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो इसने स्टार्ट किया जी जैन में, लेकिन धीरे धीरे इसको फील हुआ, विद इन लाइक आप कह लीजिए 6 महीने बाद इसे फील हो गया कि नहीं जी अभी मुझे बिजनेस में थोड़ा और पैसा लगाना पड़ेगा तो जाके मैं अच्छे लेवल तक आ पाऊंगा। तो यहां पे कह लीजिए कि बी ए की एंट्री होती है जून में ए से 2 लाख रुपए डिलवाए जाते हैं बिजनेस में कि भाई तुम भी पैसा डालो एंड हम बिजनेस को अच्छे से चलाते हैं। तो अभी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 लाख। लेकिन बी ने 3 लाख रुपए पूरे 1 साल के लिए डाले हैं जबकि ए ने 2 लाख रुपए सिर्फ 6 महीने के लिए डाले हैं, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ये समझने वाली बात है, सारा चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। 3 लाख रुपए जो हैं इसने पूरे 12 महीने के लिए डाले हैं, तो इसका वेटेड देख लीजिए कितना हो जाता है, वेट इसका 36 निकल जाता है, और इसने 6 महीने के लिए डाले हैं तो 5 जो 0 है वो मैं शुरू से काट रहा हूं, इसको काट दीजिए 12 और 36, 3:1 की रेशियो में जो है वो प्रॉफिट बटेगा। चाहे आप कह लीजिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 3:2 की रेशियो है, लेकिन टाइम के साथ ये वेटेड एवरेज है। ये जो पार्टनरशिप का ये फॉर्मूला है, ये वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है, जिसमें जो टाइम है, ये देखिए ये जो मंथ्स हैं, ये मंथ है 12 मंथ के लिए पैसे लगाए, 6 मंथ के लिए, ये वेट्स लगा दिए हमने, इसको मल्टीप्लाई किया तो बन गया 36 लाख। तो 5 0 तो हमने वैसे ही निकाल दिए और ये 12, तो वेटेड एवरेज के हिसाब से 3:1 की रेशियो में पैसा बटेगा। ये चीज को समझ लीजिए, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है।
आपको एक और ऐसा एक वैसे कॉन्सेप्ट, ज्यादा वैसे अभी जरूरत है नहीं, सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई पैसा निकाल लेता है, मान लीजिए ये जून तक की बात चल रही है, अगर कोई बंदा इसमें से पैसा निकाल लेता है, वैसे इसको मैं एक आगे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस पिक किए हैं, पार्टनरशिप का जो कह लीजिए पूरे जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, मैं वैसे ही अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ बिजनेस, ए और बी पार्टनर्स हैं जी। ए कॉन्ट्रीब्यूट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 15 मंथ्स एंड बी रिसीव्ड 2/3 ऑफ द प्रॉफिट। अभी एक चीज जो यहां पे ध्यान देने वाली है, ए जो है 1/4 ऑफ द कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, दो ही लोग हैं ए और बी, अगर ए 1/4 करता है तो बी कितना करेगा, 3/4। यहां पे सिंपल करने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूं, ए यहां पे बी यहां पे, थोड़ी लाइन ज्यादा टेढ़ी हो गई मेरी, इन्होंने कैपिटल जो है वो किस रेशियो में डाली है, 1/4 और 3/4, 1 और 3 की रेशियो में कैपिटल डाली हुई है, 1/4 ए का है तो ऑब्वियसली 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ये आ जाएगा आपका बी का कैपिटल, बी ने 3/4 ऑफ द कैपिटल डाला हुआ है, यहां पे कैपिटल आ जाएगा, यहां पे टाइम आ जाएगा। टाइम जो मैंने आपको पहले बताया था, टाइम एक वेट है, वेट मतलब वेटेड एवरेज का अगर आपने फॉर्मूला करा होगा एवरेज का चैप्टर करने के टाइम, तो ये आपको थोड़ा सा याद होगा, नहीं तो मैं एवरेज का चैप्टर करवाने वाला हूँ आई थिंक 2-3 दिनों में। तो अभी टाइम कितना है, ए ने कंट्रीब्यूट किया है जी 15 मंथ्स के लिए, 15 लिखिए यहाँ पे सीधा, तो रेशियो कितना बनता है इसका, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, बी ने जी 2/3 ले लिया, सीधी सी बात है अगर बी ने 2/3 लिया है तो ए का कितना होगा, 1/3, तो सिंपल 1:2 की रेशियो में ये इन्होंने अपना प्रॉफिट ले लिया। अभी आपको बी का टाइम निकालना है, बी ने कितने समय के लिए अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट करके रखा है, सिंपल सी बात है, यहां पे याद रखिए वेटेड एवरेज 1 × 15 / 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 1/2, सिंपल सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है ये, इसको ऊपर ले जाइए, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x ही आएगा, एक्स आ जाएगा हमारा 10, और हम मंथ्स में बात कर रहे हैं तो 10 मंथ्स जो है हमारा आंसर आ जाएगा, तो जी यहाँ पे आंसर जो हमारा आ गया 10 मंथ्स, बहुत सिंपल है। इस चीज को बस आपने याद रखना है, कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से तो ये आपकी रेशियो निकल जाएगी, बस इस चीज को ध्यान रखिए, कैपिटल का जो रेशियो निकलता है चाहे नंबर्स में दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू रेशियो, चाहे आप यहां से कुछ एक्स फाइंड कर लीजिए, अगर यहां पे एक्स दिया होता तो आप ये भी फाइंड कर सकते थे, कैपिटल नहीं दी हुई तो आप कैपिटल फाइंड कर लेते, एक्स कहीं भी दिया हो चाहे कैपिटल फाइंड करनी हो, चाहे कोई टाइम फाइंड करना हो, चाहे कोई रेशियो फाइंड करनी हो, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ए एंड बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, दे स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली, दोनों ने मिलके कुछ काम स्टार्ट किया है, ए इज इन्वेस्टमेंट, अब क्वेश्चन इवन शुरू करने से पहले, ए इज इन्वेस्टमेंट वाज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट, अब वो जो मैंने आपको सिखाया है अभी तक, यहां पे ए है बी है, ये तरीका सीख लीजिए बस एक, और एक कैपिटल है यहां पे, टाइम है यहां पे, कैपिटल जो है मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे जो है रेशियो है, बस ये एक इसको याद रखिए थोड़ा सा, इसको वैसे हम लोग माइंड में करते हैं लेकिन आपने अभी स्टार्ट किया तो पहले पेपर पे करें। एज इन्वेस्टमेंट वाज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, ए की इन्वेस्टमेंट बी से 3 गुना है, ऑब्वियसली फिर 3:1 का रेशियो बनेगा बनेगा, द पीरियड ऑफ इस इन्वेस्टमेंट वाज 2 टाइम्स द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, तो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डबल है बी से, चलिए ठीक है, तो जो मैंने आपको मल्टीप्लाई कर सिखाया था 3 × 6 और 1, इनका 1:6 की रेशियो में प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए को 6/6 हिस्सा मिलेगा, बी को 1/7 हिस्सा मिलेगा। अगर बी ने टोटल प्रॉफिट का 4,000, बी का जो शेयर है प्रॉफिट का उसे 4,000 मिला है,
तो ए को कितना मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत आसान है। अगर अभी आपको क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, बी कैपिटल और टाइम इज इक्वल टू, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पेपर में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ एक थोड़ा सा, एक अभी अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी एंड सी एंटर इंटू अ पार्टनरशिप। ए बी और सी, अभी तीन पार्टनर्स की बात होने लग गई है, तीन पार्टनर हैं। ए ने इनिशियली 25 लाख इन्वेस्ट किया है और फिर उसने 10 लाख और इन्वेस्ट किया है 1 साल के बाद। बी ने स्टार्टिंग में 35 लाख इन्वेस्ट करा है और 2 सालों के बाद उसने 10 लाख निकाल लिया, और सी ने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं शुरू से 3 सालों के लिए। अभी 3 साल की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बंदा ए है, इसने पहले साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, पहले साल इसने 25 लाख इन्वेस्ट किए थे और दूसरे साल में इसने 10 और ऐड कर दिए, तो 10 और 25 35। बी ने पहले साल 35 करे थे, दूसरे साल भी इसके 35 थे, तीसरे साल इसने 10 निकाल लिए। सी ने 3 सालों में 30 30 30 रहे हैं इसके, तो टोटल कर लीजिए 35 और 35 70 और 25 95। यहाँ पे भी 35 और 35 70 और 25 95 और 30 प्लस 30 प्लस 30 90। इसका रेशियो निकालना है, बहुत आसान है, इन्होंने रेशियो पूछा है, सभी 5 से डिवाइड होते हैं, ये 19:19:18, ये इसका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था, वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाना आपको बहुत जरूरी है। इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो 2:1। वेयर इज द रेशियो बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी वॉज 3:2। इफ रुपीज 1,57,300 वॉज द प्रॉफिट, हाउ मच अमाउंटेड बी रिसीव। अभी यहां पे ए और सी का रिलेशन दिया है और ए और बी का रिलेशन दिया है, तो आपको ए बी सी का आपको जो है रेशियो चाहिए। अब सिंपल सी बात यहां पे ये निकल के आती है, ए बी और सी, पहले इन्होंने हमें बता दिया ए और सी का 2:1 का रेशियो है, ए और बी का 3:2 का है। अभी बी और सी का अगर आपको निकालना पड़े, ए बी का दिया, ए सी का दिया हुआ है, तो आप रिलेटिवली अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? ये वैसे ये जो चीज है, ये जो प्रॉपर एक कह लीजिए लॉजिक है, ये बहुत जगह यूज होता है, बहुत अलग अलग तरीकों से आप इसे कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपली मैं क्या करता, आपकी जगह पे मैं होता तो मैं क्या करता, अगर मुझे बी बटा सी का वैल्यू चाहिए तो मैं बी की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ ए। सिंपल, ए ओवर बी मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है 3:2, तो ऑब्वियसली बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2:3 ऑफ ए। सिमिलरली उसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो सी की, ये आ जाएगी 1:2 ऑफ ए। तो सिंपल आ गया। अभी अगर मुझे बी ओवर सी निकालना है तो ये सिंपली यही है, ए यहां से कट जाएगा और आप देख लीजिए 2/3 आ जाएगा, 2 चले जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 4/3। सिंपल, 4 है बी की वैल्यू और 3 है सी की वैल्यू, ये रेशियो अपनी निकल गई है। अगर अब मुझे ए बी और सी का टोटल अगर मुझे निकालना है, अगर इसका प्रॉपर तीनों का अगर रेशियो निकालना है एक साथ, तो क्या होगा? अब ये देखिए, बी की वैल्यू यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, अगर ए की वैल्यू यहां पे 3 है तो ऑब्वियसली यहां पे 6 होगी, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो ये 4 बना है ना। और रेशियोज की बात करें तो अगर ये 2 से मल्टीप्लाई करके ये बना है तो ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई करके 6 कर सकते हैं ना, 6/4 को 2 2 से कर दीजिए डिवाइड, तो 3/2 हो जाएगा ना। तो आपका ऐसे क्या हो गया कि आपका तीनों का रेशियो निकल गया 6/4/3, और यही आपका बिल्कुल आपका आंसर निकाल देगा। अभी 6 4 10 और 3 13, अभी आपको बी का अगर निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/13 है, क्योंकि ये टोटल था 13, तो 4/13 है आपका। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1,57,300 से, ये 13 से आई थिंक डिवाइड होना चाहिए, 13 1 13 27, 13 2 26, 1 12,100,
48,400 तकरीबन मेरा जो है आंसर आ चुका है, और ये मेरा आंसर है। सिंपल, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। बेसिकली ये जो फंडा है ये समझने की जरूरत है आपको, ये फंडा बहुत जगह यूज होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, जो रेसेस के क्वेश्चन आते हैं, रेस जो होती है 100 मीटर की रेस है जी, उसमें ये यूज होता है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में ये वाला फंडा जो है आपका यूज होगा। इसको समझ लें, ए बी सी, ए बी का दिया हुआ है, बी सी का दिया हुआ है, ए बी बी सी का दिया, ए सी का निकालना कैसे निकालेंगे, मतलब दो कॉम्बिनेशन का आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे था सिंपली हमने निकाला है, एक चीज हमारे पास कॉमन है उसको पकड़ लें बस, दैट्स इट। ए बिगैन अ बिजनेस विद रुपीज 85,000, ही वाज जॉइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विद 42,500, हाउ मच पीरियड डज बी जॉइन आफ्टर इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर डिवाइडेड इन द रेशियो। अभी वही वाला जो हमारा फंडा होता है सिंपल वही करेंगे, यहाँ पे ए है बी है, इनका जो कैपिटल का रेशियो है वो कैपिटल दिया हुआ है 85,000 और 42,500, वैसे 2:1 का रेशियो है। टाइम जो है ए ने बिगैन किया तो उसने 12 महीने तो पूरे लगाए होंगे ना, ये वर्ड पढ़िए बिल्कुल, एंड ऑफ द ईयर। अगर आपका कुछ भी नहीं दिया हुआ है एंड ऑफ द ईयर की, यहाँ पे देखिए ए बिगेन अ बिजनेस, अगर कोई टाइम नहीं दिया मतलब पहली तारीख से शुरू किया हुआ और एंड ऑफ ईयर साल के एंड का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये, और ये टाइम अपने को दिया नहीं हुआ है। ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा जो रेशियो है वो निकल के आता है जी 3:1, राइट। 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 42,500 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 3:1। अभी 42,500 जो है सीधा सीधा इसे डिवाइड हो रहा है 2:1, तो ये सीधा सीधा हो ही गया है। अभी x की x को इधर ले जाते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, 12:2 24 डिवाइडेड बाय 3 3 8 24, दैट मींस ये x की वैल्यू है जो हमारी 8 आ चुकी है, और हम मंथ्स की टर्म में बात कर रहे हैं तो 8 मंथ्स जो है हमारा आंसर हो जाता है। अगर आप पेपर की बात करें तो आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पे ए बी की जगह सी तक की बात कर दी जाए, लेकिन इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस लेवल के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट जो है ये वाला कॉन्सेप्ट एक समझने वाला है कि कैपिटल टाइम है और ये जो है रेशियो है, बस इसको समझ लीजिए और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। कैपिटल को मल्टीप्लाई किया मैंने टाइम से और जो ये इसके आ जाता है इज इक्वल टू रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 85,000 जैसे 42, ये सिंपल है, ऐसे अपना बना लें। अगर सी भी आ जाता है तो भी उतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पिछले क्वेश्चंस की बात करें, वैसे आप एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लें, मैं इसका एक जो टेस्ट है वो शाम को जरूर अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, एंड जीके डाइजेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन जरूर पहले इंस्टॉल कर लें ताकि आपका जो जीके है उसका आपका रिवीजन साथ साथ होता रहे, करंट अफेयर्स आप साथ साथ पढ़ते रहें, क्योंकि जब आप पीओ का प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं मेंस में पहुंचते हैं तो आपको जीके में प्रॉब्लम आती है, तो कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत करने का। अगर आप दिन के 10 मिनट भी अपनी जीके को नहीं देते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और जीके डाइजेस्ट पे ना सिर्फ जीके आपको मिलेगी, आपको क्यूटी, रीजनिंग, इंग्लिश, हर तरह के नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, एंड हमारे IBPS मेगा प्रिपरेशन कोर्स में ज़रूर एनरोल करें, जिसमें आपको रोज़ाना वीडियोस मिलेंगी, रोज़ाना आपको लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, रोज़ाना आपको जो मॉक टेस्ट मिलेंगे। आई होप आपको यह तरीका ज़रूर समझ आया होगा, एंड आपको अगर पता हो कि मैं डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो मैं चलाता हूँ, आप अपने जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल ज़रूर भेजें, ये मेरी ईमेल आईडी है, और नीचे आप अपने कमेंट्स में भी डाउट लिख सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई नहीं भी मिल रहा है उसका मतलब ये ना समझे कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, कई बार रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपके जो रिप्लाईज पढ़ के उस पर एक वीडियो बनाता हूँ, पिछली वीडियो जैसे आपने देखी होगी, आपके 4-5 क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, क्योंकि 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन करने सही भी नहीं है। और वर्कबुक्स भी मैंने पिछले चैप्टर की भी प्रोवाइड करवाई थी, आगे भी करवाता रहूँगा, तो इसको एज अ प्रॉपर कोर्स की तरह लेकर चलें IBPS मेगा प्रेप कोर्स को।
आपको किसी भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट की मुझे मेरे हिसाब से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से इसे फॉलो कर रहे हैं। जो मैं आपको कह रहा हूँ क्विजेज या PDFs जो पहले दिन से जो मैं आपको करवा रहा हूँ अगर आप कर रहे हैं और साथ में इंग्लिश के लेक्चर्स भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको किसी भी और इंस्टीट्यूट या कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यही लेक्चर्स को यही PDFs को यही वर्कबुक्स को अगर आप अगले 2.5 से 3 महीने तक फॉलो करते हैं तब IBPS PO का जो प्री एग्ज़ाम है इवन जो मेन्स एग्ज़ाम है उसको आप इजिली क्रैक करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। धन्यवाद।